अदृश्य चलते चलते एक दूसरे पेटेड ट्री को देखती है जिसके ऊपर उसे वही फ्रेज लिखा हुआ दिखाई देता है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आप अभी तक वहीं पर हैं। एलिशिया उस आदमी के बारे में सोचने लग जाती है जिसने इन फ्रेजेस को ट्रीज के ऊपर लिखा था। तभी उसके ऊपर पीछे से आकर एक जॉम्बी अटैक कर देता है। एलिशिया उसे बाड़े में थोड़ी हेजिटेट करती है और स्ट्रेंज जो कि उस वक्त एलिशिया के साथ था वो तुरंत ही आकर उसे मार डालता है। एलिशिया पेड़ पर लिखे हुए मैसेज को एक बार फिर से देखती है। वो स्ट्रेंज को कहती है कि क्या उन लोगों को यूनिवर्स कुछ कहना चाहता है। एलिशिया स्ट्रेंज को क्लियर करती है कि उस मैसेज को देखकर उसे अब एक आशा दिखाई देने लगी है। तभी वैस उन लोगों से रेडियो पर कॉन्टेक्ट करता है और उन लोगों को बताता है कि उससे उन लोगों की मदद की जरूरत है। वैस उन लोगों को क्लियर करता है कि उसने उन लोगों की पूरी टिप्स देख चुकी है। एलिशिया और स्ट्रेंज तुरंत ही वैस के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग उसकी मोटरसाइकिल को अपने ट्रक में लोड कर लेते हैं। वैस उन लोगों को बताता है कि लोकान के ग्रुप से उसका सामना हुआ था। वैस एलिशिया और स्ट्रेंज से कहता है कि वो अपने भाई के पास जाना चाहता है। मॉर्गन और अल्थिया दोनों ही रिवर के पास में थे। उन लोगों के ऊपर जॉम्बीज का एक पूरा का पूरा हर्ड अटैक कर देता है। अल्थिया और मॉर्गन दोनों ही उन जॉम्बीज का सामना करते हुए एक वोल्ट तक पहुँच जाते हैं। अल्थिया उस वोल्ट को ओपन करती है जबकि मॉर्गन वहाँ मौजूद एक दूसरे जॉम्बी को मार डालता है। एल वहीं पर मौजूद कुछ सेफ्टी बॉक्सेस के अंदर अपने टेप्स को रखकर उन्हें सिक्योर कर देती है। वैस स्ट्रेंड और एलिशिया के साथ में था। एलिशिया वैस से भी पेंटेड ट्रीज के बारे में बात करती है। वैस एलिशिया को क्लियर करता है कि उन लोगों को उस पेंट करने वाले का पता नहीं चल पाएगा। एलिशिया और स्ट्रेंड दोनों ही वैस को उसकी बताई हुई जगह पुलिस स्टेशन में ड्रॉप कर देते हैं। वो लोग वैस को प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग उसकी मोटरसाइकिल में फ्यूल भी डाल देंगे। तभी उन सभी लोगों को एक गनशॉट की आवाज सुनाई देती है। एक आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर से दौड़ता हुआ बाहर आता है। उन लोगों के ट्रक को लेकर वहाँ से चला जाता है। वैस उस आदमी को वहाँ से भागते हुए देखता है। वो तुरंत ही उसके ऊपर गोलियां चलाने लग जाता है। गोलियों की आवाज सुनकर बहुत सारे जॉम्बीज उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तब तक वो आदमी उन लोगों का ट्रक लेकर भाग जाता है। वो तीनों ही वहाँ मौजूद पुलिस कार से वेपन्स ले लेते हैं। उन लोगों को रियलाइज होता है कि उन वेपन्स में रबर की बुलेट्स भरी हुई थी। स्ट्रेंड उसी वक्त गलती से एक जॉम्बी के ऊपर टियर गैस को छोड़ देता है। टियर गैस के कारण उन सभी लोगों को भागकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाना पड़ जाता है। स्ट्रेंड की आंखें टियर गैस के कारण बहुत ज्यादा जलने लग जाती है। एलिशिया स्ट्रेंड को कुछ पानी देती है और उसे गीला टॉवल भी आंखों को ढकने के लिए दे देती है। एलिशिया वैस से उस स्ट्रेंजर आदमी के बारे में पूछती है। वैस एलिशिया को क्लियर करता है कि उसका भाई मर चुका है और वो उस आदमी से अपनी चीज वापस लेने के लिए वहाँ पर आया था। एलिशिया वैस को समझाने की कोशिश करती है कि मारना ही हर चीज का इलाज नहीं होता है। एलिशिया थोड़ी देर बाद ही एल को कॉन्टेक्ट करती है और उसे अपने पोजिशन के बारे में अपडेट्स दे देती है। एलिशिया स्ट्रेंड को क्लियर करती है कि वो अब आगे किसी को भी नहीं मारना चाहती है। मॉर्गन और एल दोनों ही रोड पे से वापस लौट रहे थे तभी उन लोगों का सामना लुकान के ग्रुप से हो जाता है। मॉर्गन लुगान को समझाने की कोशिश करता है कि वो अपने ग्रुप के लोगों के साथ लोगों की मदद कर रहा था। लुगान मॉर्गन से एक बार फिर से ऑयल फील्ड का लोकेशन पूछने लग जाता है। मॉर्गन लुगान को कहता है कि वो उसके ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है और लोगों की मदद कर सकता है, लेकिन लुगान मॉर्गन के साथ काम करने से मना कर देता है। मॉर्गन जब लुगान के पास से जाने लग जाता है तब लुगान चिल्लाकर मॉर्गन को बताता है कि वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे की मदद नहीं कर पाया था और उसको ढकने के लिए वो लोगों की मदद नहीं कर सकता है। मॉर्गन लुगान के मुंह से ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो लुगान का सामना करने के लिए अपनी स्टिक को उठा लेता है लेकिन एल तुरंत ही मॉर्गन को रोक देती है। लुगान मॉर्गन को जाते जाते एक बार फिर से वार्निंग देता है कि अगर उसे लोगों को अपने ग्रुप में शामिल करना है तो वो लोगों के टेप्स को रिकॉर्ड करना छोड़ दे। मॉर्गन तुरंत ही एल को लेकर वहाँ से चला जाता है। वेस्ट एलिशिया की दी हुई लोगों को मदद करने वाली स्पीच को याद करता है और उसकी एक्टिंग करने लग जाता है। वेस्ट साथ साथ ये भी कहता जा रहा था कि वो आदमी बहुत ज्यादा बदमाश था और वो अपनी चीज उससे वापस लेना चाहता था। वेस्ट एलिशिया को बताता है कि उसके भाई के ऊपर एक जॉम्बी ने अटैक कर दिया था और वो मोटरसाइकिल उसी के भाई की थी जिसे लेकर वो घूम रहा था। वेस्ट एलिशिया को समझाने की कोशिश करता है कि आज की दुनिया में किसी की भी मदद करना बेकार है, लेकिन एलिशिया उस आदमी की मदद करना चाहती थी जो कि उन लोगों का ड्रग लेकर वहाँ से चला गया था। एल एलिशिया से कॉन्टेक्ट करती है और उसे आगे मौजूद एक रोड ब्लॉक के बारे में बता देती है।
देती है। एलिशिया अभी भी उस आदमी को खोजने के लिए एडमर्ड थी। वैस उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वैस और एलिशिया बाहर मौजूद जॉम्बीज का सामना करने लग जाते हैं। वैस पुलिस गन का यूज करके जॉम्बीज को मेन एंट्रेंस से डाइवर्ट कर देता है। एलिशिया को वहीं से एक गाड़ी की चाबी मिल जाती है। तभी जॉम्बीज फ्रंट डोर को तोड़ते हुए अंदर घुस जाते हैं। एलिशिया उन जॉम्बीज का सामना नहीं कर पाती। स्ट्रेन तुरंत ही आगे बढ़कर उन जॉम्बीज को मार देता है। बाकी बचे हुए जॉम्बीज को वैस मार देता है और वो तीनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। एल और मॉर्गन दोनों ही रोड के ऊपर थे। एल मॉर्गन से उसके फैमिली की स्टोरी को कैप्चर करने के लिए माफी मांगती है। मॉर्गन एल को क्लियर करता है कि उसने अपनी कहानी उन टेप्स पे इसीलिए सुनाई थी। वो चाहता था कि लोग उसकी कहानी को सुने और उनके ऊपर विश्वास करने लगे। एल मॉर्गन की इस बात से डिसएग्री होती है। एल मॉर्गन को क्लियर करती है कि उन लोगों के पास से उन लोगों के प्रेजेंट का कोई भी रिलेशन नहीं है और वो लोगों की मदद अपनी इच्छा से कर रहे हैं। एलिशिया उसी वक्त एल से रेडियो पे कॉन्टेक्ट करती और उसे बताती है कि वो लोग ट्रक के पास पहुंच चुके हैं और उसे लेकर भागने वाला आदमी अब रीएनिमेट हो चुका है। वैस अपने बैग को लेने के लिए उस आदमी के पास पहुंच जाता है। वो आदमी अभी तक मरा नहीं था। वो तुरंत ही पलटकर वैस के ऊपर अटैक कर देता है। वैस तुरंत ही अपने नाइफ को निकालकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है। वैस उस आदमी से अपनी एक मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पूछने लग जाता है। वो आदमी वैस को बताता है कि मैन्युस्क्रिप्ट उसके बैग में है। मरते मरते वो स्ट्रेंजर वैस को बताता है कि उसने बहुत अच्छी कहानी लिखी है। वैस तुरंत ही उस आदमी को मार डालता है। एलिशिया वैस से पूछने लग जाती है कि उसने एक बुक के कारण उस आदमी को क्यों मार दिया था। वैस एलिशिया को समझाने की कोशिश करता है कि लोग आखिर लोग ही होते हैं और उसे मैन्युस्क्रिप्ट को रख लेना चाहिए था जिसके कारण कि वो मारा गया था। वैस गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। मॉर्गन और एल भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वो दोनों मिलकर उस आदमी को दफना देते हैं। इस बीच एलिशिया उस मैन्युस्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लग जाती है। एलिशिया को उस मैन्युस्क्रिप्ट के आखिरी पेज पर वही मैसेज लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि उसने पेंटेड ट्री के ऊपर पढ़ा था। एलिशिया समझ जाती है कि उन ट्रीज को वैसी पेंट किया करता था। थोड़े समय के बाद हम लोगों को एलिशिया को दिखाया जाता है जो कि एक ट्री के ऊपर एक बर्ड को पेंट कर रही थी। वैस को भी अपना पेंट किया हुआ पहला ट्री वहाँ पर दिखाई दे जाता है। तभी एक जॉम्बी आकर एलिशिया के ऊपर अटैक कर देता है और एलिशिया उस जॉम्बी को तुरंत ही मार डालती है। एलिशिया उस पेड़ के पास वापस आती है और वो उस पेड़ के ऊपर लिखती है कि कोई भी तब तक नहीं जाता जब तक कि वो पूरी तरह से नहीं जाता। मॉर्गन एलिशिया के उस मैसेज को देखकर उसकी तारीफ करने लग जाता है। एल मॉर्गन से कहती है कि वो उसकी पूरी कहानी जानना चाहती है। उसी रात को लोगान अपने पूरे क्रू के साथ बैंक वॉल्ट के ऊपर अटैक कर देता है। वो एल के छुपाए हुए टेप्स को लेने के लिए वहाँ पर आया था जिससे कि वो उनकी कहानियों को देखकर ऑयल फील्ड के लोकेशन के बारे में पता लगा सके। एपिसोड की शुरुआत एक जुइस प्रिस से होती है। वो टेंपल के दरवाजे पे मौजूद एक जॉम्बी को देखता है, उससे थोड़ी बहुत बात करता है और उसके बाद उसे मार डालता है। प्रीस्ट उसके बाद टेंपल के फैंस के दरवाजे को चेन से क्लोज कर देता है। वो वहाँ मौजूद कई जॉम्बीज को मारने लग जाता है। तभी एक जॉम्बी उसके ऊपर आकर गिर जाता है। उसी वक्त चार्ली वहीं मौजूद एक गाड़ी में से बाहर निकलती है और वो उस प्रीस्ट को उस जॉम्बी से बचा लेती है। प्रीस्ट चार्ली को अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसका नाम जैकॉब था और वो चार्ली को टेंपल के अंदर इनवाइट कर लेता है। मॉर्गन का पूरा कारवा एक फील्ड के अंदर रुक जाता है। सारा उन लोगों को इन्फॉर्म करती है कि उन लोगों के पास अब बहुत कम फ्यूल बचा हुआ है। जून उन लोगों को सजेस्ट करती है कि उन लोगों को अब फ्यूल की खोज में बाहर निकलना होगा। जॉन और जून दोनों ही लुगान से सामना होने के बारे में बात करने लग जाते हैं। तभी ड्वाइट उन लोगों को आकर इन्फॉर्म करता है कि चार्ली उनके ग्रुप से मिसिंग है। इधर चार्ली जैकॉब को बताती है कि वो अपने ग्रुप से बिछुड़ चुकी है। जैकॉब चार्ली को दिलासा देता है और उसे कहता है कि वो जल्दी ही उसे उसके ग्रुप से मिला देगा। जैकॉब वही मौजूद सैडलियर की लाइट्स को डिम होते हुए देखता है। उसकी लाइट को डिम होते हुए देखकर वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। वो चार्ली को क्लियर करता है कि उसे बैटरीज को लाने के लिए बाहर जाना होगा। चार्ली जैकॉब को पैनिक होते हुए देखती है और उसे काम कराती है। चार्ली उसे बताती है कि वो उसकी बैटरी का इंतजाम कर सकती है। चार्ली इसके बाद जून से रेडियो पर कॉन्टेक्ट करती है। वो जून को बता देती है कि वो दौड़ते दौड़ते थक चुकी है और अब उसे एक ऐसा प्लेस मिल गया है जहाँ पर वो लंबे समय तक रुक सकती है। चार्ली जून को उस टेम्पल की लोकेशन बताकर उसे कार बैटरीज वहाँ पर लाने के लिए कहती है। जैकॉब और चार्ली दोनों ही जून और जॉन का वेट करने लग जाते हैं। इसी बीच जैकॉब एक बार वहाँ से उठकर बाहर चला जाता है। जैकॉब जॉम्बी से भरी हुई एक बिल्डिंग के पास चला जाता है और वहाँ जाकर वो उन सभी लोगों के लिए एक प्रेयर पढ़ता है। जॉन और जून तभी कार की बैटरीज लेकर टेंपल में पहुँच जाते हैं। जैकॉब उन लोगों को कार की बैटरीज के लिए थैंक्स कहता है।
चार्ली जॉन और जून से टेंपल की फेंस को रिपेयर करने में हेल्प मांगती है। जॉन उस वक्त जेकॉब को एक कैरमल कैंडी ऑफर करता है और बदले में जेकॉब उसके लिए एक प्रेयर पढ़ता है। जून फेंस को ठीक करते समय चार्ली को समझाने की कोशिश करती है कि टेंपल उसके रहने के लिए एक राइट प्लेस नहीं है, क्योंकि एक तो वो बहुत छोटा है, दूसरा वो वाटर सोर्स से बहुत ज्यादा दूर है। इधर फील्ड में सारा और ड्वाइट दोनों ही एक बियर को एंजॉय कर रहे थे, तभी उन लोगों को लोगान का क्रू अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। टेंपल के अंदर जाने के बाद चार्ली एक बार फिर से जेकॉब से कहती है कि वो अपने पूरे ग्रुप के साथ उस टेंपल के अंदर रहना चाहती है। जेकॉब चार्ली की बात को टाल देता है और उसे जून और जॉन के साथ वापस जाने के लिए कहता है। जॉन के पास उसी वक्त सारा का रेडियो मैसेज आता है। सारा उसे लोगान के क्रू के आने के बारे में बता देती है। जून सारा को इन्फॉर्म करती है कि वो वहाँ से तुरंत ही रवाना होने वाली है। टेंपल को चारों ओर से बहुत सारे जॉम्बीज घेर लेते हैं। वो सब वही जॉम्बीज थे जिन्हें जेकॉब ने लॉक्ड किया हुआ था। जॉन और जून उन जॉम्बीज को देखते हैं। जेकॉब उन सभी लोगों को टेंपल की छत पर चलने के लिए कहता है। वो सभी लोग टेंपल की छत के ऊपर चले जाते हैं और एक लैडर की मदद से टेंपल से बाहर निकलने की कोशिश करने लग जाते हैं। जेकॉब उस मोमेंट में उन लोगों को बताता है कि वो सभी लोग उसके टेंपल के आसपास के लोग थे। जेकॉब एपोकलिप्स आने के बाद उन लोगों के लिए सप्लाईज लेने के लिए गया हुआ था और वो जब लौट कर आया तब उसने उन सभी लोगों को रीएनिमेट होते हुए देखा था। जॉन और जून उस लैडर की मदद से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। इधर रोली उन लोगों के सिग्नल को इंटरप्ट कर देता है। सारा एक बार फिर से जून से रेडियो पर कॉन्टेक्ट करती है और उसे जल्दी ही वहाँ पर आने के लिए कहती है। जॉन और जून इस बीच लैडर की मदद से बहुत दूर तक निकल आए थे, तभी उन लोगों की लैडर एक और गिर जाती है। जॉन और जून वही मौजूद एक गाड़ी की छत पे फंस जाते हैं। जून एक बार फिर से चार्ली को अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन चार्ली उस प्लेस को छोड़कर उन लोगों के साथ चलने से मना कर देती है। जेकॉब भी चार्ली को वहाँ से जाने के लिए कहता है। चार्ली उसे याद दिलाती है कि जब वो टेंपल में आई थी तब जेकॉब ने उसे वेलकम किया था। जेकॉब चार्ली को क्लियर करता है कि वो भगवान में बहुत पहले से विश्वास खो चुका था और उसे सिर्फ उनकी प्रेयर के सिवा कुछ नहीं आता था, इसीलिए वो प्रेयर करके अपना टाइम पास किया करता था। जेकॉब के मुँह से ये सुनकर चार्ली वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। जेकॉब एक हॉर्न की मदद से जॉम्बीज का ध्यान रिस्ट्रिक्ट करके उनको टेंपल के अंदर बुला लेता है। जॉन और जून दोनों ही जॉम्बीज के टेंपल के अंदर घुसने के बाद उसके दरवाजे को बाहर से बंद कर देते हैं। चार्ली जेकॉब के साथ टेंपल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। ड्वाइट और सारा दोनों ही लोगान के क्रू से बचते हुए भाग रहे थे, तभी उन लोगों के ट्रक का फ्यूल खत्म हो जाता है और उन लोगों को एक जगह पर रुकना पड़ जाता है। लोगान का क्रू तुरंत ही उन लोगों के पास पहुंच जाता है। उन दोनों की आपस में बहस होने लग जाती है, लेकिन अचानक ही लोगान का क्रू उन लोगों को उसी हालत में छोड़कर निकल जाता है। सारा जॉन और जून को एल के ट्रक में बैठकर वहां पर आता हुआ देखती है। चार्ली जून से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। जून चार्ली को एश्योर करती है कि उन लोगों को एक न एक दिन अच्छी जगह रहने के लिए मिल जाएगी, जिससे कि वो अपना घर कह पाएंगे। सारा और ड्वाइट दोनों ही अपने ट्रक के अंदर फ्यूल डालने लग जाते हैं। उसी वक्त वो लोग जेकॉब से अपने आप को इंट्रोड्यूस भी करते हैं। सारा को पता चलता है कि जेकॉब भी एक ज्यूस है। जेकॉब सारा को ये भी बताता है कि वो बहुत अच्छी वाइन बनाता है। रोली दूर जाकर लोगान से कॉन्टेक्ट करता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसने मॉर्गन के कारवा को बहुत दूर भेज दिया है। लोगान इस वक्त एक क्वेरी के गेट के पास मौजूद था। वो अपने ट्रक से क्वेरी के गेट को तोड़ता हुआ अंदर चला जाता है। हम लोगों को समझ में आ जाता है कि लोगान को ऑयल फील्ड का लोकेशन पता चल चुका है और अब वो वहाँ पर पहुँच चुका है।